दोस्तों, सी लैंग्वेज के इस अमेजिंग चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन को। नॉर्मली आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू जनरेट द फॉलोइंग पैटर्न 1 then 1 2 1 2 3 1 2 3 4। और ये जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। सो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, बस इसमें थोड़ी सी चीज आपको समझनी होती है, उसके बाद ये कोड करना आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी है। So, बिना किसी देरी के हम चलते हैं एडिटर पे और यहाँ पे इस कोड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब नॉर्मली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने सिंपल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, #include_studio.h और इसके बाद रिटर्न जीरो, क्योंकि हमने इंट मेन लिया है। अगर वॉइड मेन लिया होता तो यहाँ पे रिटर्न जीरो नहीं लिखते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें करना है डिक्लेरेशन दो वेरिएबल्स का। एक हम करेंगे इंट आई और एक हम करेंगे जे। आई एक लूप होगा जो कि 4 बार चलेगा, यानी कि 1 एक बार में प्रिंट हो रहा है, फिर 1 2 प्रिंट हो रहा है, तो लूप चल कितनी बार रहा है, 4 बार। तो आई की मदद से हम वो जो रो प्रिंट करवाना है हमें, वो हम रो प्रिंट कराएंगे, और जे की मदद से हम वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे। तो नॉर्मली हमने यहाँ पे आई और जे को डिक्लेयर कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो कि है लूप। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फोर का लूप स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले आई का इनिशियलाइजेशन, यानी आई में सबसे पहले हमने आई की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी। तो i इक्वल टू है 1। उसके बाद हम देंगे कंडीशन कि कंडीशन क्या है कि i तब तक चलना चाहिए जब तक ये जो लूप है वो 5 तक नहीं पहुंच जाता। अभी i की वैल्यू 1 है, अगले लूप में 2, फिर 3, फिर 4 और फिर आएगा 5। तो जैसे ही वो 5 पे पहुंचे, और क्योंकि वो 5 से कम हो तब तक वो चलता रहे, 5 पहुंचेगा उसके बाद चलना बंद हो जाएगा। इसके बाद हमने किया i++ ताकि इंक्रीमेंट होता रहे। और इसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर आ जाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स डाले हमने और इसके अंदर आ गए। अब यहाँ पे हम एक लूप डालेंगे जे का। हमने बोला फॉर जे इक्वल है 1 के, यानी जे की वैल्यू भी इनिशियलाइज की हमने 1 के साथ। और अब इसकी कंडीशन में क्या डालूंगा, गेस करो। यहाँ पे हम डालेंगे जे तब तक चलेगा जब तक वो लेस देन इक्वल है 5, या फिर हम यहाँ पे लिखेंगे आई, क्योंकि ये किसके बिहाफ पे चल रहा है, ऊपर वाले लूप के बिहाफ पे चल रहा है। तो हमने यहाँ पे डाला जे लेस देन इक्वल आई, और जे भी क्या होगा, हर लूप के बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर जो भी हमें प्रिंट कराना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, और यहाँ पे हमने डाला वैल्यू के लिए %d, और ये %d किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ मैं, यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। तो ये हमने लिखा, जैसे एक राउंड ऑफ लूप कंप्लीट होगा उसके बाद मुझे क्या कराना है, एंटर प्रिंट कराना है, मतलब लाइन ब्रेक करनी है ताकि जो लिखा हुआ आए वो अगली लाइन से लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे दे देंगे /n लाइन ब्रेक के लिए या फिर एंटर के लिए। अब देखो ये लूप कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला i इक्वल टू 1 और i लेस देन 5, मतलब ये जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा, यानी कि 4 रो हमारी प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद मैंने बोला j इक्वल है 1 के और j तब तक चलेगा जब तक j लेस देन इक्वल है i के। सपोज अगर हम पहले लूप की बात करें तो i की वैल्यू कितनी है, 1 है, और यहाँ पे j की वैल्यू भी क्या है, 1। और मैंने बोला ये कब चलेगा, जब तक ये लेस देन है इक्वल है, तो लेस देन तो नहीं है i के लेकिन इक्वल है, तो ये 1 बार चलेगा। फिर दूसरा राउंड होगा, आई की वैल्यू 2 होगी, फिर ये 2 बार चलेगा। फिर तीसरा राउंड होगा, 3 बार चलेगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पे इसका कंपैरिजन जो कंडीशन हमने दी है वो हमने आई के साथ दी है, इसलिए पहली बार में 1 वैल्यू प्रिंट करेगा, अगले लूप में 2 वैल्यू, फिर उससे अगले लूप में 3, और फिर लास्ट लूप में 4 वैल्यू प्रिंट करेगा। अब जब मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे तो हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो 1, फिर आया 1 2 1 2 3 और 1 2 3 4। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमें प्रिंट कराने के लिए बोला गया है, जैसे नॉर्मली पहली बार में 1 प्रिंट होना चाहिए पहले रो में, फिर 1 2, फिर 1 2 3 1 2 3 4। सो आई होप कि गाइस ये जो प्रोग्राम है वो कैसे वर्क करेगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही एक चीज और आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपका जो टेस्ट होगा तो ज्यादातर होगा टर्बो सी पे, तो वहां पे 2 चीजें आपको और लिखनी है, वो है क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच। क्लियर स्क्रीन इसलिए होता है ताकि वही चीज बार बार ना आए, और गेट सी एच इसलिए होता है ताकि स्क्रीन होल्ड की जाए। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये दोनों चीजें आपको कहाँ लिखनी है। अगर आप टर्बो सी वाली आईडीई में वर्क करते हो तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, वैसे पता होगी। तो यहाँ पे आपको क्लियर स्क्रीन लिखना होता है और यहाँ नीचे में आपको लिखना होता है सिंपल गेट सी एच, बस इतनी सी चीज। तो ये 2 एक्स्ट्रा चीजें जो आपको लिखनी होती है ताकि आपका जो कोड है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए। सो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।